नमस्कार दोस्तों, सुमन किचन में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए, हमने ये मैदा लिया है। ये हमारा डेढ़ कटोरी मैदा है। इसमें हमने थोड़ा सा ये नमक डाल दिया है और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। आज हम बनाएंगे स्पेशल समोसे। उसके लिए हम ये दो तैयार कर रहे हैं। और ये देखिए, हम इसमें 2 बड़ा चम्मच हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है और इसे अच्छी तरह से हम ये देखिए मिक्स कर लेंगे। और आज के समोसा कुछ स्पेशल होंगे और आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए, हमारी मुट्ठी पूरी तरह से बंध रही है। इसका मतलब है कि मोहन हमारा परफेक्ट है। पानी डाल के हम इसे अच्छी तरह से एक सॉफ्ट डो गूंध लेते हैं। ज्यादा टाइट नहीं और ज्यादा ढीला नहीं, और एक अच्छा सा डो बना लेते हैं। ये देखिए, और इस डो को बनाने के बाद हम कम से कम 8 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जब तक हमारा डो तैयार होगा। उस बीच में हम आलू की स्टफिंग बना लेते हैं, जो हम समोसे के अंदर फिल करेंगे। ये देखिए, हमने उबले आलू ले लिए हैं और इसमें हमने हरी मिर्च काट के डाल दी है। ये 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून इसमें हमने ये देखिए ये धनिया पाउडर हमने डाला है, और 1/2 टीस्पून इसमें हमने ये लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है। और ये देखिए, हमने कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने पर जीरा डाल दिया है। जीरा हमारा अच्छी तरह से क्रैक हो जाए, उसके बाद में हम ये जो हमने आलू मिक्स करके रखे हैं सारी उसी में हम डाल देंगे। और आलू को अब हम अच्छी तरह से पका लेंगे। आलू तो हमारी पकी है, फिर इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करके और थोड़ा सा रोस्ट जैसा कर लेना है, जिससे आलू हमारी बढ़िया से इसमें एक सोनापन भी आ जाता है। जब हम इसे थोड़ी देर इसमें कढ़ाई में डाल के पकाते हैं, बनाने को तो हम तड़का न लगा के वैसे ही सारा मिक्स करके भी बना सकते हैं, लेकिन इससे समोसे का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और ये हरी धनिया भी हमने इसमें डाल दी है, और इसके अंदर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी मिला देंगे। और ये देखिए, करीब हमने 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर मिला दिया है। आप चाहें तो मिलाएं, आपके पास नहीं है तो ना मिलाएं, कोई जरूरी नहीं है। बाकी कई बार ऐसा होता है कि ये हमारी आलू थोड़ा सा गीले उसमें होती है तो कॉर्नफ्लोर मिलाना जरूरी हो जाता है। और ये देखिए, हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। आटा हमारा तैयार भी हो चुका है, इस करके अब हम छोटी छोटी लोई काट लेते हैं जब तक हमारा ये ठंडा हो रहा है। और ये देखिए, हम इस तरह से समोसा बनाएंगे। एक हमने पतली सी रोटी बेली है और इस पर हमने आलू फैला लिया है लंबे साइज में। और ये देखिए, साइड में हमने ये मैदे का घोल लगा दिया है। और ये देखिए, हम चाकू की सहायता से और इसमें हम लाइनें बना लेते हैं, यानी इसे हम काट लेते हैं।
और नीचे तक नहीं काटना है। ये देखिए, इसे हम इस तरह से रोल करते जाएंगे और एक टाइट सा रोल बनाना है। और फिर हमें ये देखिए, हमने ये रोल तैयार कर लिया है। अब इसे हमें मोड़ देना है और साइड में थोड़ा सा हमें मैदे का घोल लगाना है और फिर इसे हमें जोड़ देना है। ये देखिए, हमने इसे जोड़ दिया है और ये एक पट्टी सी हम निकालेंगे इसे, और जहाँ पर हमने जोड़ दिया है उस जगह हमें इसे इस तरह से लपेट देना है। और ये हमारे अच्छी तरह से लपेट देंगे और लास्ट में आप थोड़ा सा मैदे का घोल लगा दें के चिपका दें। और ये देखिए, हमारे रिंग रोल समोसा इस तरह से हम सारी रिंग बना लेंगे। और हमने इधर कढ़ाई चढ़ा दिया, तेल हमारा गर्म हो रहा है। अब ये हम जो हमने रिंग रोल बनाए हैं इन्हें हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से बनाने के बाद हमें सारे समोसे में इसी तरह से बनाना है। ये देखिए, पतली पतली आप थोड़ा सा सावधानी के साथ में थोड़ा ऊपर से छोड़ दें और नीचे बिल्कुल कट नहीं करना है। नीचे हल्की पट्टी पूरी एक सार रहने देना है, नीचे तक बिल्कुल अलग न करें। और ये देखिए, हमें एक टाइट रोल बनाना है। थोड़ा सा टाइट करते हुए इस रोल को, और थोड़ा सा बाद में हम इसे अच्छी तरह से कर लेंगे तो इस सारी जगह बराबर हो जाएगा। और इसको रोल को अब हम आटे की मैदे की, ये देखिए हमने ये चिपका दिया है, मैदे का घोल बनाया है जिससे हमने इसे चिपका दिया है। और अब हम इसमें उसी तरह से पट्टी काट के लगा देंगे। अब ये हमारे समोसे देखिए कितने बढ़िया से पक रहे हैं। और हमें इन समोसों को बिल्कुल धीमी आंच पर डालना है, ऑयल हमारा बिल्कुल धीमा गर्म होना चाहिए, बहुत धीमी उसमें पकाना है। तेज आंच पर समोसे को कभी न पकाएं, इन्हें धीमे धीमे पकने दें। और ये बहुत अच्छे से अंदर तक पक के आप तेज आंच में डाल देंगे तो ऊपर ऊपर जल जाएगा, अंदर का कच्चा रह जाएगा। अब इन्हें हम पलट देते हैं। जो भी समोसे हमें थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए ये दिख रहा है कि नहीं ये डार्क हो रहा है तो उसे हमें पलट देना है। ये देखिए, हमें पलटते हुए ही पकाना है और धीमी आंच पर पकाना है। ये देखिए, ये हमारे रिंग रोल समोसा बन के रेडी हो गए हैं। और दोस्तों, ये आजकल स्ट्रीट फूड में हमें ये रिंग रोल समोसा ज्यादा पसंद आ रहे हैं लोगों को, और ये आजकल मार्केटों में ज्यादा चल रहे हैं, इन्हें लोग ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, एक बार अपने घर में ट्राई करिए। ये देखिए, आप रेड चटनी के साथ या ग्रीन चटनी के साथ ये समोसे जरूर आप ट्राई करें, एक बार देखना, आपको बहुत पसंद आएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।